नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रास्ते में कोई भी आया तो उड़ा देंगे, लेकिन लखनऊ में एसीपी के बेटे को एसयूवी से रौंदने वालों को कुबूलनामा। यूपी की राजधानी लखनऊ में तैनात एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के इकलौते बेटे नामिश की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों सार्थक सिंह और देवश्री वर्मा ने पुलिस पूछताछ में बताया कि जब रेस लगाई गई तभी तय कर दिया था कि रास्ते में कोई भी आया तो उसे उड़ा देंगे, ब्रेक नहीं लगाएंगे। ये बात आरोपी सार्थक ने देवश्री से कही थी। यही वजह है कि मासूम को रौंदते हुए एसयूवी निकल गई। बताते चले कि श्रीवास्तव की बेटी की मौत मामले में जांच कर रही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दोनों के बीच रेस लगाने के दौरान ये बात हुई थी कि कोई भी रास्ते में आएगा तो उसे उड़ा देंगे, लेकिन ब्रेक नहीं लगाएंगे। ये बात आरोपी सार्थक ने देवश्री से कही थी और उसने यही किया भी। सड़क किनारे स्केटिंग कर रहे मासूम नामिश को एसवीयू रौंदते हुए निकल गई और रोकने का भी प्रयास नहीं किया। आरोपियों को लग रहा था कि पुलिस ट्रेस नहीं कर पाएगी। सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी का नंबर भी ट्रेस नहीं हो पाया था। आरोपी ये सोच रहे थे कि पिता सपा नेता रविंद्र सिंह दोनों को बचा लेंगे। यही वजह है कि वारदात के बाद घर जाकर सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी। एडीसीपी पूर्व जोन सैयद अली अब्बास के मुताबिक दोनों आरोपियों ने जिस तरीके से टक्कर मारी और सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे, इससे उनको लगा था कि पुलिस उन्हें ट्रेस नहीं कर पाएगी। पता था कि बच्चा नहीं बचेगा। आरोपियों का कुबूलनामा। एक्सीडेंट के वक्त कार में सवार सार्थक सिंह और देवश्री वर्मा ने कुबूल किया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि उन्हें पता था कि बच्चा नहीं बचेगा, इसलिए मौके से भाग गए। पुलिस के मुताबिक जिस जगह पर घटना हुई वहां कोई सीसीटीवी नहीं था। थोड़ी दूर पर एक चाय की दुकान के पास लगे सीसीटीवी के जरिए एसयूवी की पहचान की गई और उसका रूट पता किया गया। गाड़ी का नंबर मिलने के बाद दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। आरोपी लड़की के पिता पर भी केस दर्ज। मामले में डीसीपी ईस्ट आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि कार तेज रफ्तार में थी। टक्कर मारने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। दोनों में कार रेस की शर्त लगी थी। पहले देवश्री ने गाड़ी भगाई, फिर इसके बाद सार्थक सिंह ने सार्थक गाड़ी को 120 की रफ्तार के ऊपर ले जाने की कोशिश करा था। नामी शहर के किनारे स्केटिंग करा था, तभी तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से दुर्घटना हो गई। मौके पर नामिश की कोच और उनकी माँ श्वेता श्रीवास्तव भी मौजूद थी। दोनों आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार को ट्रेस करते हुए उनके घर से पकड़ा गया। आरोपी लड़के भागने की फिराक में थे। वहीं आरोपी सार्थक के पिता रविंद्र सिंह ने साक्ष्य छुपाने के लिए गाड़ी को छुपाया था ताकि उसमें डेटिंग का काम कराकर बचा सके, इसलिए रविंद्र पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।